So guys, three quick points or three songs जो आपको guess करने हैं. And yes, this is not a clickbait. ये true है. एक महीने में from a beginner guitarist to an intermediate or professional guitarist, what you want to say yourself. So बिना समय गवाए चलो start करते हैं. Subscribe करें और घंटी दबाएं और free में latest updates पाएं. So जो first point है, that is practice at night. मतलब सोने से 2 घंटा पहले प्रैक्टिस चालू कर दें अपनी और प्रैक्टिस के तुरंत बाद सो जाएं. So 2 घंटा इसलिए क्योंकि आपको हर रोज बिना आपको एक दिन मिस करे, एक भी दिन मिस नहीं करना है, रोज आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है सोने से पहले. कारण जो आपकी मसल्स हैं, मसल जो आपकी उंगलियां हैं, उनको आदत पड़ जाएगी. जब आप सोएंगे तो आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा जो आपने उस दिन सिखाए थे. तो हर दिन आप सीखेंगे तो 30 दिन में आपके दिमाग में काफी चीजें आ जाएंगी जो आपके पास पहले नहीं. तो गाना देखते हैं आप. Guess this. So, इस गाने को गेस करके कमेंट्स में लिखें. दूसरा, फिल्म योरसेल्फ. मतलब कि आप जो भी चीज करें, आपने एक गाना सोचा, डे वन आपने गाना सोचा कि मुझे ये गाना सीखना है, तो टारगेट रखें 3 दिन बाद मुझे ये गाना फिल्म करके कवर करके इसको फेसबुक पे डालना है. स्टार्टिंग फेसबुक से कर सकते हैं, फेसबुक पे डालना है, या ये इसका लेसन सा बना के मुझे यूट्यूब पे डालना है, जो भी है. फिल्म योरसेल्फ, उससे क्या होगा, 2 चीजें. पहला, आपको टारगेट मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, सो आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उसकी. और दूसरी चीज जो है, आपको थोड़ी बहुत जब फैन फॉलोइंग या कुछ भी मिलेगा, थोड़ी अप्रिसिएशन, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा और आप गिटार को और अच्छे तरीके से सीखेंगे और मेहनत करेंगे उसमें. सो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिल्म योरसेल्फ. सो गाना देख लेते हैं आप. पॉइंट पे, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. सो ध्यान देने वाली बात है इसमें. सो डिपेंडिंग अपॉन योर गोल कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रोफेशनल गिटारिस्ट कब मानेंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि यू शुड बी प्लेइंग रिदम फ्लॉलेसली? मतलब कि डिफरेंस है ना, अगर आप आयुष्मान खुराना बनना चाहते हैं या आप जिमी हेंड्रिक्स बनना चाहते हैं. सो दोनों की अलग अलग जर्नी थी, अलग अलग तरीका है गिटार बजाने का, और दोनों का एंड रिजल्ट जो है वो अलग अलग है. सो एक, दोनों अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल है. सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कहां तक जाना है गिटार सीखने में. सो वो आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी डायरेक्शन में आप जो है वो अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे. अगर आप मान लीजिए जिमी हेंड्रिक्स स्लैश फॉलोअर हैं, मेटल आप सुनते हैं बहुत ज्यादा, तो आप लीड गिटार की जितनी प्रैक्टिस हो सके वो करें, उसी तरह के कवर्स बनाएं, उसी तरह के आपका फैन बेस बनेगा, सब चीजें उस तरह की होंगी. अगर आप रिदम में ज्यादा है, मतलब कि जैसे आप आयुष्मान खुराना या कोई भी आप गिटारिस्ट पकड़ लीजिए, एडिवेटर टाइप भी अगर आप पकड़ लीजिए, सो तब आपको क्या करना है, तब आपको मैशअप्स पे ज्यादा ध्यान देना है. आपको कॉर्ड्स जो है वो आपको सीखनी है, उन कॉर्ड से आप कितने गाने आप
सीख सकते हो वो आपको सीखना है। जैसे ए माइनर का पैटर्न आपने सीख लिया, ए माइनर सीखा है, जी सीखा, एफ सीखा और ई माइनर सीखा, तो इस पे गाने देखिए आप कितने गाने आप इस पे निकाल सकते हैं। स्ट्रमिंग आप अपनी सेट करें, तो मतलब अपने गोल के हिसाब से जो आपका गोल है, एंड रिजल्ट है, उस डायरेक्शन में अपने आप को प्रोजेक्ट करें, अपनी प्रैक्टिस को उस डायरेक्शन में ले जाएं। अपने जो कवर्स आप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं खुद को, वो उसी डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। सो उससे क्या होगा, आपको एक पाथ मिल जाएगा, जिसपे एक रास्ता मिल जाएगा आपको चलने के लिए, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, बिगिनर से प्रोफेशनल या किसी भी लेवल तक आप पहुंच सकते हैं फिर उसमें। सो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेक द बैरियर, अपने दिमाग को अपने गोल सेट करके कि हाँ मुझे इस तरह से बनना है, और अपने बिगिनर वाला जो चोला है उसको निकाल फेंकिए और अपने पाथ पे, अपनी जर्नी पे निकल जाइए। और जितनी आपको मुश्किलें आती जाती है, जैसे मान लीजिए अगर आप कॉर्ड वाले साइड्स आ रहे हैं, तो सारी ओपन कॉर्ड्स आप सीखते जाएं, जो जो आपको मिलती जाती है, बार कॉर्ड्स पे आप आ जाएं, उसके बाद अगर आपको बार सीखनी है तो केपो आप सीख सकते हैं कि केपो किस तरह से मैं यूज कर सकता हूं अगर आप बार नहीं सीखेंगे तो। सो इस तरह से आप अपने बैरियर्स को हटाते जाएं। सो वो तभी होगा जब आप अपना माइंड सेटअप कर लेंगे कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में। सो लास्ट सॉन्ग, तो इसको गेस करें आप, उसके बाद रैप अप करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी प्लेइंग को एकदम चेंज करके रख देगी ये चीजें अगर आप इनको फॉलो करते हैं, एक मंथ तक भी फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके इस चीज का, और अगर वो एस्पायरिंग है, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कुछ भी है, सो ये चीजें हर जगह काम आएंगी आपकी। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो गाने मैंने गाए हैं उनके ओरिजिनल नाम आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन उसके साथ में उसको दबाएं, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो 2018 होप यू विल बी अ बेटर गिटारिस्ट, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज चंदन शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम म्यूजिक वेदा।